ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने स्मेक तस्कर को 10 साल के सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। करीब सवा साल पहले आरोपी अनीश खान के कब्जे से 37,00,000 रुपए कीमत की स्मैक बरामद की गई थी। पिछले साल 1 फरवरी को इंदरगंज के सब इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटे महादेव मंदिर के पास स्मैक की बड़ी मात्रा के साथ मौजूद है। इस पर इंदरगंज पुलिस अनीश खान उर्फ मगर को 370 ग्राम स्मैक के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। इसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 37,00,000 रुपए से ज्यादा बताई गई थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत इंदरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। न्यायालय ने कहा कि यह स्मैक वाणिज्यिक मात्रा में आती है। आरोपी का कृत्य बेहद गंभीर किस्म का है, जो युवा पीढ़ी में नशे की लत को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में आरोपी को रहम का अधिकार नहीं है। घटना के बाद से ही आरोपी अनीश खान उर्फ मगर केंद्रीय कारागार में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ये घटना 1 फरवरी 2022 की है, जब थाना इंदरगंज के उपनिरीक्षक अवधेश सिंह कुशवा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटे महादेव मंदिर के पास स्मैक की बड़ी खेप लेकर खड़ा हुआ है। उपनिरीक्षक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराते हुए बल एकत्र किया और तत्काल मौके पर दबिश दी थी। तो आरोपी से कब्जे से 370 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी, जिसका अपराध थाना इंद्रगंज में 57/22 पर पंजीबद्ध किया गया, जिसमें कि धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट लगाई गई थी। आरोपी घटना दिनांक से ही केंद्रीय कारागार के न्यायिक निरोध में है। अभियोजन ने अपने घटना के साक्षियों को परिचित कराते हुए घटना को प्रमाणित कराने में सफलता हासिल की एवं न्यायालय को बताया कि आरोपी से 37,00,000 रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई है और आरोपी का कृत्य संपूर्ण समाज के लिए घातक है, क्योंकि ये युवाओं में नशे की आदत डालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे आरोपी किसी भी प्रकार के रहम के पात्र नहीं है। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ग्वालियर द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।